यूपी एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी के गनर आर्ची दुर्गेश यादव के गायब हुए कार्बाइन को बरामद करने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ गोरखपुर की टीम ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एक संगठित जहरखुरान गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसके तहत गिरोह द्वारा 3 अप्रैल को गगहा थाना क्षेत्र से पूर्व कैबिनेट मंत्री अंबिका चौधरी के गनर आर्ची दुर्गेश यादव से जहरखुरानी कर लूटी गई कार्बाइन बरामद किया। घटना में शामिल गिरोह के एक सदस्य दिनेश निषाद को एसटीएफ ने थाना कैंट स्थित बस स्टैंड से कार्बाइन सहित गिरफ्तार किया है तथा घटना में प्रयुक्त कार जहरखुरानी के लिए प्रयोग किए जाने वाला डिब्बा बंद जूस और बेहोश करने वाली दवा भी बरामद किया है। एसटीएफ के डिप्टी एसपी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि गिरोह द्वारा जनपद गोरखपुर, आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर, फैजाबाद सहित अन्य जनपदों में कई घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। ये लोगों को झांसा देकर अपनी गाड़ी में बैठा लेते थे और जहरीला पदार्थ खिलाकर उनको लूट लिया करते थे। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए एसटीएफ के डिप्टी एसपी विनोद कुमार सिंह ने कहा, ये हमारी एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया है कि 3 अप्रैल को माननीय पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी जी का गनर दुर्गेश यादव छुट्टी से छुट्टी पर घर जा रहा था तो उसकी कार्रवाई जो गायब हो गई, जिस संदर्भ में हम लोग काम कर रहे थे। तो आज जो है एक जहरखुरान गैंग जो है उसका खुलासा किया गया, पकड़ा गया, तो उसने उसे कार्रवाई बरामद हुई और उसने उस कार्रवाई के लूटने का जहर खिला करके उसे लूटने का घटना को स्वीकार किया है। पूरा एक आजमगढ़ जनपद आजमगढ़ के अहरौला थाना क्षेत्र के 4-5 गाँव हैं, डाही है, इस तरह के गाँव हैं, वहाँ पर इन लोगों का अपना एक पूरा कुनबा है, परिवार है, खानदान है, जो इस तरह की घटनाओं करने के लिए अभ्यस्त हो गए और काफ़ी समय से घटना कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया जिसकी हम पूछताछ कर रहे हैं और अपने गिरोह के सदस्यों के बारे में बताया जिसकी हम पूछताछ कर रहे हैं। नहीं, ये लोग बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर इनके अपने कार्य करने के स्थल होते हैं, जो गोरखपुर में है, अंबेडकर नगर में है, आजमगढ़ में है, जौनपुर में है, जौनपुर के एक शाहगंज में अभी तत्काल में घटना पिछला की है उसके बारे में इन्होंने बताया है। ये बस स्टेशन सामने, रेलवे स्टेशन सामने खड़े होते हैं और वहाँ पर अपने जो इनका टारगेट होता है, विक्टिम जो होता है, उसको टारगेट करते हैं, उसको पहचानते हैं किसको, किससे हमें लूटपाट करनी है, किसको जहर खिलाना है, फिर उसको अपनी गाड़ी में किसी तरह से बहला फुसला के बैठाते हैं। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा है जो इनसे बरामद हुई है, उसको मिला करके पिला देते हैं। जब वो बेहोशी हालत में आता है तो उसको गाड़ी से उतार देते हैं और फिर उसका सामान लेके भाग जाते हैं। कार्रवाई लूटने इनका अभी तक ये जो बता रहे हैं, ये पैसे के लिए सबके लिए इस तरह जहरखुरानी करते हैं। वो सिपाही संयोग था कि सिपाही था और उसके बैग में कार्रवाई थी, तो इस तरह से इनको कार्रवाई मिल गई। बाद में इन्होंने जाकर जब बैग खुला उसमें कार्रवाई थी, ये इस तरह से इन्होंने कार्रवाई की लूट कर ली। हाँ, ये जहरखुरान गैंग है और इनका इनको पहले से मालूम भी नहीं था कि उसमें कार्रवाई है और जब इन्होंने बाद में जाकर बैग खुला तो इनको कार्रवाई मिली। इनके पास से एक डिब्बा बंद जूस का पैकेट मिला है और उस घटना में जिस दिन कार्रवाई इन लोगों ने लिया था उससे जो है जहरखुरानी करके वो जो गाड़ी प्रयोग किए थे मारुति की, वो गाड़ी कार मिली है और कुछ वो दवाएं मिली हैं, ड्रग्स मिले हैं जिसको उसमें डाल करके ये लोग विक्टिम को बेहोश बनाते हैं। ये थाना कैंट जनपद गोरखपुर के पास में ही बस स्टैंड के सामने से गिरफ्तार किया।